सर, हिंदी का तो पहला नहीं था, क्या आप बता रहे थे ना कुछ? लेकिन सौभाग्य ये रहा कि सर राइटर और डायरेक्टर एक साथ मिल पाना बहुत कम हो पाता है, तो मतलब आप भी अवेलेबल थे जिसमें, पूरा ऐसा पोर्ट्रेट ऐसा ही मिला। हिमांशु जी ने पूरा पोर्ट्रेट किया है आपके किरदार को पूरी तरह से, एक एक शख्स को। जी सर, वो भी अच्छा प्रज्ञा जी, वो मेरे पास वीडियो किसी और में इस्तेमाल करेंगे हम, कि जी बिल्कुल बिल्कुल किस तरह से हिमांशु जी ने जो बापरे तैयारी करवाई, एक एक किरदार को, एक एक स्टेप, डांस का अलग, म्यूजिक का अलग, जो गाने हैं वो गाने वही बनते थे। आप ये देखो, मैंने फैक्ट्री देखी, फैक्ट्री कि कैसे क्या कुछ होता है, मुझे तो जी। बहुत अच्छा तो लगा। पवन जी आइए। हम ओके जी, जी बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे आज के सभी अतिथिगण जो जुड़े हैं, उनसे एक एक करके हम पवन सक्सेना जी के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं ये भी जानेंगे, और साथ में चंबल का शौर्य नाटक में उनकी क्या भूमिका रही और इस यात्रा में उनका क्या योगदान रहा, इस पर हम एक एक कर उनसे भी बातें करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं आज का शतदल रेडियो का ये कार्यक्रम। मैं प्रज्ञा मिश्र मुंबई से हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और नमस्कार सभी को। घोषित किया कि भाई चंबल का एक काम और बड़ा अच्छा हो रहा है, कि चंबल की पहचान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जो वास्तविक पहचान है उसके लिए मैं पवन सक्सेना जी को बुलाता हूं। तो मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ, और यकीन मानिए उसके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर प्रज्ञा जी आपसे मिलकर और आपके इस प्लेटफॉर्म से मिलकर चंबल का शौर्य को और भी महिमामंडित करके मैं बहुत खुश हो रहा हूं, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा बच्चा जैसा हो गया है। रात दिन केवल इसी के बारे में सोचा जाता है, और वो वेदना मैंने भी महसूस की है। और इसमें जो हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, मेरा सौभाग्य आज वो भी जुड़ चुके हैं, उन्होंने भी महसूस की है, क्योंकि उन्होंने उस मिट्टी को आकार दिया है, उस पांडुलिपि को एक शेप दिया है, और जिसका रूप है चंबल का शौर्य, एक नाटक के रूप में आ चुका है। तो इस तरह से ये एक, और उम्मीद बहुत है चंबल के शौर्य से, ये कि एक बार ये शुरू हो गया तो बहुत सारी सी चीजें चंबल में, जी, वहां की बहुत अच्छी कलाकृतियां हैं, वहां की संस्कृतियां हैं, जिनको भी हम ला सकते हैं, तो चंबल का शौर्य के पार्ट बन सकते हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। और चंबल ही नहीं, जहां पर बिखरी हुई हमारी संस्कृति, उनको समेटने का प्रयास हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। और देखो, सब ड्रामा होता था, तो ये भगवान दास माहौर को पता था कि अरे यार, ये तो पंडित जी तो आ गए, और ये बोल रहे हैं बाहर सोएंगे, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि पंडित जी अंदर कमरे में सो। तो बोला, अरे अंदर कमरे में क्या सोना, अंदर मच्छर काटेंगे भाई, हम तो बाहर ही सोएंगे। तो बाहर सोएंगे तो ये बात थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको एलेबरेट करके स्क्रीन प्ले बना के थोड़ा सा और उस टाइप का करा, और बाकी आप इस प्ले को देखेंगी, उसके वीडियो मिलेंगे, तो जो उसका काम किया है वो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का है, कि किस तरह से जी भूत आते हैं स्टेज पर, किस तरह से डराते हैं, एक बंदा है उसको किस तरह से परेशान करते हैं, भागकर पंडित जी के पास जाता है, और पंडित जी जो लोटा रखा रहता है उसमें, जो लोटा रहता है ना, लोटा और साफी, उसमें पत्थर भर के जो भगाते हैं। और उस घटना के बाद ही, लेकिन फिर इन लोगों को जगह बदलनी पड़ी, फिर उसके अच्छा बाद ही और सारी चीजें हैं, कि हाँ भगवान दास माहौर को अलग रहना पड़ा ग्वालियर में ही, और गजानन पोद्दार को कहीं और रहना पड़ा, खाने का अरेंजमेंट किसी और ने किया, वो सारी चीज थी पूरी इनकी। तो उसका जिक्र जी, है किताब में, बड़ी इंटरेस्टेड है। धोने का प्रयास रहेगा, साथ रहेंगे हम उससे, शद्दल रेडियो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा उस चीज में। जी तो अब आइए हम चलते हैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए। मैं आग्रह करूंगी हमारे अतिथिगण पवन सक्सेना जी के साथ में हैं, सुषमा जी जुड़ी हैं, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जुड़े हैं, आपसे आग्रह है आप अपना वीडियो ऑन करें। नमस्ते सुषमा जी, और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर डॉक्टर हिमांशु हिमांशु द्विवेदी। जो जो इस प्ले के डायरेक्टर हैं, वीडियो और वो आप अच्छा कर, आपकी तरफ से शायद बंद है, एक बार चेक कीजिए। आस्क टू स्टार्ट वीडियो, मैंने आपसे वीडियो स्टार्ट करने कहा, और अभिजीत जी आस्क टू स्टार्ट वीडियो, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अभिजीत जी, मैंने आपको भी आग्रह किया है वीडियो स्टार्ट किया है, बहुत बहुत नमस्कार, शदल रेडियो के मंच पर आप सबका स्वागत है। धन्यवाद।
जी, तो अब मैं आग्रह करूंगी एक एक कर हमारे सभी प्रिय अतिथि जनों से कि हमारे आज के जो अपनी तरफ से कैसे चंबल का शौर्य आपको प्रभावित करता है और आप इसे कैसे जुड़े हैं इसके बारे में आप बात करें। बहुत स्वागत। हाँ, तो अब हो जाता है, तकनीक में क्या करें, ये सब होता रहता है। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, अभिजीत जी, सुषमा जी हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी नमस्कार जी की तरफ। नमस्कार, स्वागत है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। मैम, नमस्कार प्रज्ञा जी, नमस्कार पवन जी, सुषमा जी, अभिजीत, नमस्कार सभी को। और आपके रेडियो के माध्यम से सभी जितने श्रोतागण दर्शक वृंद जुड़े हुए हैं उन सभी को नमस्कार। और जैसा कि मालूम है आप सभी को विदित है कि ये आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है और सारा जो क्रियान्वयन और उद्देश्य है ये चंबल के शौर्य पटकथा को लेकर रचा गया है। और निश्चित रूप से इसके लेखनी के प्रारंभिक चरण से लेकर इसके निर्माण की प्रक्रिया तक मैं इसका साक्षी रहा हूं, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी पूरे चरण को अगर मैं रिकॉल करूं तो ग्वालियर के आदरणीय अतुल अदौलिया जी भाई साहब और पवन जी इसी विभाग में जहाँ जिस कक्ष में मैं अभी बैठा हुआ हूँ, एक तस्वीर भी वो आपको दिखाएंगे। और ये आग्रह था कि इस तरह का एक नाटक रचा गया है जिसका पूरा रूप का क्रियान्वयन ये है। जैसा पवन जी ने बताया कि अक्सर जो हिंदुस्तान की आजादी में हम चुनिंदा क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं या हमें पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया या हम उनके बारे में जान रहे हैं, लेकिन ऐसे भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं जिनको हम आज याद नहीं रखते या नहीं जानते, उनके बारे में कभी जिक्र नहीं किया गया। विशेष रूप से इसमें हमारे जो भारत की सरकार है आज की या हमारा मध्य प्रदेश शासन है उनकी जो योजनाएं, जैसे अभी स्वाधीनता वर्ष का जो पिछले साल चला जिसमें हमने मैंने कई नाटक किए जिसमें एक बुंदेलखंड विद्रोह भी था, इसी तरह का एक नाटक था जिसमें बुंदेलखंड के अंचल के जो शूरवीर थे उनके जो भूले बिसरे क्रांतिकारी थे उनका वर्णन था। तो इसी रूपरेखा को लेके पवन जी आदरणीय अतुल अदौलिया जी भाई साहब आए कि जो भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं उनके बारे में एक नाटक हो। तो पवन जी ने बहुत उत्कृष्ट राइटिंग लिखी और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पवन जी एक लंबे अरसे से फिल्म लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग या सीरियल्स और उनके लेके काम करते हैं, तो नाटक भी लगभग उसी फॉर्मेट में था। और जिसको सिनेमा की दृष्टि में कहें तो जिंक्स और उसको कहें कि एक लघु दृश्य और सीनिक पटकथाएं इस रूप में बड़ा प्रभावी था। मतलब अगर उसके ऊपर निश्चित रूप से अभी एक फिल्म बनाई जाए तो अद्भुत फिल्म का दृश्यांकन है, उसमें कुछ काट झाट करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन चूंकि नाटक के विद्यार्थी होते हैं तो ड्रामा में एक दृश्य की एक सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, मतलब एक दृश्य का प्रॉपर बिगनिंग हो, पहले तो नाटक का ही बिगनिंग मिडिल और एंड हो, फिर दृश्य का भी एक पर्टिकुलर एक बिगनिंग मिडिल एंड हो, उसके यूनिट सब यूनिट आपस में जुड़े, एक नाटक प्रारंभिक अवस्था में पूर्व रंग या उस वहां से शुरू हो, फिर बीच में वो अपने कथ को समेटते हुए चीजों को बात कहे और फिर लास्ट में उसका एक एंड हो, मैसेज हो, जो भी हम कहना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को वो सब निर्धारित हो। तो कहीं ना कहीं मुझे न, 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 समस्या उत्पन्न हो रही थी निर्देशकों को कि दृश्य बड़े जबरदस्त थे लेकिन दृश्यों का जो टाइम ड्यूरेशन थी बड़ी छोटी थी। मतलब एक जैसे हम फिल्म में तो दिखा सकते हैं कि एक सीन हुआ फिर उसके बाद दूसरा सीन कट ऑफ, यहाँ चला गया वहां चला गया, नाटक में इतनी जल्दी नहीं होता हो सकता था। तो मैं बार बार पवन जी को परेशान भी करता था, मैं कहा सर इसमें ये चाहिए इस ढंग से। तो बड़ा एक रोचक दृष्टांत ये रहा कि पवन जी ने तात्कालिक वो दृश्य लिखे और तात्कालिक उन दृश्यों में निर्देशक के रिगार्डिंग एक परिवर्तन भी किए। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं भी, लेखक भी और जो हमारे एक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, वो भी एक प्रोसेस में बहुत अच्छे से जुड़े कि किसी नाटक की रचना प्रक्रिया, एक तो नाटक पठन के दृष्टि से लिखा जाए तब, और जब उसका मंचीय दृष्टिकोण हो तो क्या क्या समस्याएं आती हैं और कैसे हम उसको बदलते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में हमारे बच्चे गुजरे। जैसा कि सुषमा जी ने अभी कहा कि मोहन राकेश की तरह ये नाटक बिल्कुल बिके, हम सबकी दुआएं हैं, लेकिन आप देखेंगे मोहन राकेश की भी जो नाट्य लेखनी है आधे अधूरे को हम पढ़े तो यही है कि सावित्री आई, उसने बैग रखा और बैग रखने के बाद फिर वो डायलॉग बोलती है, या फिर आषाढ़ का एक दिन में जो दंतुल है या मातुल आते हैं, हरिण शावक को कालिदास ने पकड़ रखा है, उसके बाद दृश्य बिंब हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं उससे पहले जितने नाटक लिखे गए, मोहन राकेश से पहले जितने भी नाटकों की रचना की गई, वो पठन की दृष्टि से है और उनको मंचन में हमें निर्देशक अपने अपने ढंग से प्रयोग करता है। लेकिन मोहन राकेश जी मंचन के ही दृष्टि से लिख रहे हैं कि नाटक ऐसे मंचित किया जा सकता है, अगर कोई साधारण भी है तो उसको डायरेक्टोरियल एक प्रोसेस भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस नाटक में दोनों रूप आए, पहले वो रूप आया कि पठन की दृष्टि से हमारे बिंबों को पैदा करता है, उसके भाव को हम जानते हैं, और दूसरे स्तर पर उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस को भी हमने समझा, प्रॉपर बिगनिंग मिडिल एंड और उसमें नए कंटेंट को जोड़ना। फिर ये लगा कि अब नाटक, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाटक है और अगर आप इसके हिसाब से नाटक डिजाइन करें तो 4 घंटे का नाटक होता, तो जी 4 घंटे कौन देखेगा। तो उस हिसाब से कई दृश्य को आपस में जोड़ा गया, कई दृश्यों को कट कर दिया गया, इस सीन की जरूरत नहीं है तो कहाँ पर हम ऐसा जहां पर खत्म करें कि मैसेज आ जाए, या किस दृश्यों को हम एक डांस के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि गणेश चतुर्थी का अवसर हुआ, उस माध्यम से क्रांतिकारी कैसे पर्चे बांटते थे और बम बनाते थे, अगर वो नाटक का दृश्य बनाए तो कम से कम 1 घंटे का बनेगा, वैसे 3 मिनट के। तो जी बिल्कुल पूरा एक सीन के कहीं ना कहीं ये नाटक एक पूरी रचना प्रक्रिया को लेकर रचा गया। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि चंबल जो हम डकैत या बागियों के नाम से जानते हैं, वास्तव में इसका दूसरा पक्ष ये है कि चंबल की इस धरा से अनेकों क्रांतिकारी, अनेकों स्वावलंबी व्यक्तित्व के धनी यहाँ से निकले हुए हैं। लेकिन चूरी चूंकि कहते हैं ना कि एक चीज का प्रभाव किसी चीज का ज्यादा हो जाता है, तो हम बस उसी पक्ष के रिगार्डिंग उस चीज को देखने लगते हैं। हम जैसे रावण, रावण की बात करें तो रावण में बहुत बुराइयां थी, उसको हम एक ही पक्ष में जानते हैं, दुराचारी था, दुराग्रही था, सारे उसमें अवगुण थे। लेकिन अगर उसके दूसरे पक्ष को देखें तो बहुत प्रकांड विद्वान भी था, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी था, बहुत शक्तिशाली था। तो कहीं ना कहीं उसका दूसरा पक्ष भी है। इसी तरह से चंबल के जो नकारात्मक पक्ष है उसको सिनेमा ने, अब चंबल का अगर सिनेमा आप देखें तो घोड़े दौड़ रहे हैं और डकैत दौड़ रहे हैं, अरे चंबल में आदमी का चलना मुश्किल होता है, घोड़े दौड़ना तो बहुत मुश्किल की बात होती है। ऐसी ऐसी माटी नहीं है, ऊपर नीचे मिट्टी जैसे पहाड़ होते हैं। तो उस धरा का जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली वो बिल्कुल अलग ढंग से किया गया, जबकि वास्तविक स्वरूप को हमने कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। तो इस नाटक के माध्यम से जो भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं और चंबल की एक्चुअल जो स्थिति है और जो उसका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है उसको रेखांकित करता है ये नाटक। तो इसके लिए मैं पुनः पवन जी को और आपको सबको बधाई देता हूँ। साथ में मैं अपने विद्यार्थियों, अपने विभाग नाटक एवं रंगमंच संकाय, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से भी पुनः बधाई देता हूं, और हम भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि इस नाटक का हिस्सा है और मेरे खाते में एक बड़ा काम हो गया है, इसका पहला निर्देशन मैंने किया, तो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। आपने चंबल का शौर्य इस नाटक का निर्देशन किया, इसका सफल मंचन हो चुका है। और जहाँ तक मैंने हिंदी साहित्य में पढ़ा है कि नाटक वही सफल माना जाता है जिसका मंचन हो जाए, तो इस सफलता के लिए भी पवन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार आपने एक ऐसा नाटक लिखा जिसका मंचन भी आसान है और जिसे कहानी की तरह समझना आसान है, दोनों ही बातें जिसमें मौजूद हैं, उसके लिए आप वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पवन जी का, हिमांशु सर का और आप आयोजक लोगों का कि आपने मुझे आज यहाँ पर जोड़ा। लेकिन इसके लिए कारणीभूत जो है वो ये स्क्रिप्ट, ये नाटक है, तो मैं और ज्यादा क्रेडिट जो है ये पवन जी को और हिमांशु सर को देना चाहूंगा कि मैं आज यहाँ पर अगर आप लोगों के साथ में इस विषय पर कुछ बोल पा रहा हूँ तो इन दोनों ने मुझे यहाँ पर सिलेक्ट किया इस नाटक में। जिस तरह सर ने भी अभी कहा या पवन सर ने भी अभी कहा कि जो एक दिमाग में इमेज बनी हुई है कि चंबल, तो सबसे पहला शब्द दूसरा आता है डाकू। तो ये जो है ये मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा दो तरह की विरोधी चीज रही कि ये काम मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान भी रहा और बहुत ज्यादा मुश्किल भी रहा। चूंकि हिमांशु सर ने इसका डायरेक्शन किया तो उनके दिमाग में पूरी पिक्चर बनी हुई थी कि इसका प्रस्तुतिकरण क्या, कैसा, क्या करने का रहेगा, और
पवन सर ने सारी चीजें बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके जो है, मतलब कुछ चीजें हमें पता है और बहुत सारी चीजें जो है उनकी प्रॉब्लम्स हमें पता ही नहीं होंगी, तो उन्होंने पूरा रिसर्च करके वो चीज लिख ली थी और इन दोनों ने मिलके यूनानिमसली मुझे वहां खड़ा कर दिया जो है गेंदालाल दीक्षित जी के रोल में। तो आज भगवान की कृपा है, कर्म धर्म सही होंगे, कुछ अच्छे काम करे होंगे शायद नाटक की फील्ड में, कि एक इतनी अच्छी किताब के कवर पेज पर आज मेरा चेहरा दिख रहा है। तो मैं फिर से डॉक्टर हिमांशु जी का और पवन सर का फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। रोल जो था ये बड़ा ही अच्छा था, जिसके बारे में मुझे भी मालूम ही नहीं था कि जो भगत सिंह के बारे में हमने सुना हुआ है, राजगुरु जी के बारे में सुना हुआ है कि जॉन सॉन्डर्स की हत्या करने की वजह से उन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन ऐसे दिग्गज क्रांतिकारी के द्रोणाचार्य कौन होंगे, मतलब जो हमारे दिमाग में है, आज उनके बारे में हमें पता चला। तो इसके लिए इतना रिसर्च किया हिमांशु जी ने भी, या फिर हमारे पवन सर ने पूरा लिखा, पूरे एविडेंसेस इन्होंने जमा करे होंगे कि यार भाई ये बात सही है या नहीं है, गेंदालाल जी कौन थे, गेंदालाल जी कैसे रहते होंगे, तो इसके लिए इन्होंने ये सारी चीजें करी। अब मेरे लिए ये रोल करना एक तरह से, जो मैंने कहा कि बहुत आसान भी था और बहुत मुश्किल ये था कि सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग जो था वो लेखक और दिग्दर्शक ने कर लिया था और उसके बाद में मुझे खड़ा कर दिया था। लेकिन मुझे ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी थी कि अगर मैं कोई भी एक चीज ऐसी ना करूं कि जो कुछ भी गलत इम्पैक्ट ना दे उसका, तो इसके लिए मैं बार बार सर से भी पूछता रहता था कि क्या मैं ये कर रहा हूँ, ये ठीक है? तो दृश्य संयोजन तक तो ठीक है, लेकिन जो मैं मेरे बोलने का तरीका है, जो एक कैरेक्टर की तैयारी रहती है कि वो चलते कैसे होंगे, वो कैसे रहे होंगे, क्योंकि इनके बारे में जैसे कहा कि गुमनाम क्रांतिकारी है, गुमनाम हीरो कहना चाहिए मुझे, तो इनके बारे में ऑनलाइन भी कोई बहुत ज्यादा जानकारी ऐसी अवेलेबल नहीं थी। हाँ, लेकिन एक बात का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा, जिसके बारे में शायद अभी बहुत ज्यादा बात हुई नहीं है, कि ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक व्यक्ति थे। अपने साथ में इन्होंने डाकुओं तक को काम करने के लिए तैयार कर लिया था। मेरा एक नाटक में डायलॉग था कि ये डाकू जो है ये उजड्ड है, आक्रामक है, लेकिन इनकी आक्रामकता, इनकी उजड्डता और इनकी हिम्मत का अगर सही उपयोग किया जाए, अभिजीत तुम्हारा हाँ म्यूट हो गया था। कॉल आ गया था। तो ये चीज जो थी कि इतनी बड़ी बात जो है कि इस व्यक्ति ने कैसे डाइवर्ट किया होगा उनको, मानसिक तौर पर उनको तैयार किया होगा कि हाँ भाई ये मेरे साथ काम करे। और उनका एक बहुत अच्छा जो था कि वो हमेशा सिस्टमेटिक रहना पसंद करते थे। और इसका प्रस्तुतिकरण थोड़े से में किस तरह से किया जाए कि सिर्फ 3 घंटे के समय में, 3 घंटे का भी कंप्लीट नाटक नहीं था, लेकिन इस चीज को प्रस्तुत किस तरह से किया जाए, तो दृश्य संयोजन जो जैसे अभी सर ने बताया कि गाने भी हो रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी चीज डिलीवर हो रही है कि गेंदालाल जी ने किस तरह से लोगों को तैयार किया, तो उसको प्रस्तुत किस तरह से किया जाए, ये दोनों आपस में मतलब हिमांशु सर के और पवन सर के आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया थी कि ये तय कर लेते थे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, इसे अगर ऐसा किया जाए तो इसका ऐसा होगा, और मुझे सिर्फ बता दिया कि अभिजीत तुम्हें ये करना है। तो मैं कहूंगा कि इसमें जो है मेहनत लेखक और दिग्दर्शक की बहुत ज्यादा थी, मेरे लिए मेहनत काफी कम थी, फिर भी मेरे दिमाग में एक टेंशन था कि यार भाई इतना अच्छा जो रोल है, कहीं भी मेरी तरफ से इसका गलत रिफ्लेक्शन ना हो, कि जो इतने बड़े दिग्गज आदमी की आज एक जो प्रतिमा खड़ी होगी वो मेरी वजह से कुछ गलत ना हो। तो शायद कुछ हद तक मैं सफल रहा। इसके लिए मैं मतलब फिर से लेखक जी को और निर्देशक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोइंसिडेंस है कि 26 साल से मैं ड्रामा की फील्ड में हूं और इतने साल बाद मैं कोर्स करने के लिए यहाँ पर आया मानसिंह तोमर में, और सौभाग्य से उसी समय मेरी झोली में इतना अच्छा रोल गिरा, तो ये एक सौभाग्य की ही बात है। तो मैं फिर से पवन जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, शतदल रेडियो को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और हिमांशु सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो इन लोगों ने मुझसे इतना अच्छा रोल करवा लिया, जो कैरेक्टर की प्रिपरेशन के लिए कई सारी चीजें रहती है ये इन्होंने मुझे ओरली बता दी, रिटन में बता दी, समझा दिया, तो वो मुझे रोल करना बहुत आसान गया, लेकिन मेहनत थोड़ी बहुत लगी। ठीक है, फिर भी मैं क्रेडिट दूंगा इन्हीं लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद है और शुभकामनाएं हैं मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वंस अगेन। सभी को एक बार फिर हम याद दिला दें, आप देख रहे हैं शतदल रेडियो और मैं प्रज्ञा मिश्र यहाँ जुड़ी हूँ चंबल के शौर्य के लेखक पवन सक्सेना जी से, और ये जो पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी है यहाँ पर, हिमांशु द्विवेदी जी,
हिमांशु द्विवेदी जी, आप आ जाएं सामने, अपना वीडियो ओपन करें। ऑलमोस्ट हम कार्यक्रम के एंड पे पहुंच चुके हैं, और अब इसी के साथ मैं यहाँ पर सभी को जो फेसबुक पर हमसे जुड़े, और जो बाद में ये इसका जब शदल रेडियो के यूट्यूब पे जब हम ये डाल देंगे, उस समय जो भी हमसे जुड़ेंगे, आप सभी इस किताब को जरूर खरीदें। और मैं यहाँ पे आग्रह करूंगी, आपके पास अगर किताब सामने है तो आप जरूर जरूर इस किताब को यहाँ पर लेकर के आए। तो ये इस तरीके से हम जिस किताब की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, सभी से आग्रह है कि वो इसे ले। मैं एक प्रिंट स्क्रीन लेने की कोशिश यहाँ करती हूँ, जरा मुझे 1 मिनट जरा समय दीजिएगा। आई एम जस्ट टेकिंग वन प्रिंट स्क्रीन हियर। आई जस्ट होप दैट आई गेट टू टेक वन प्रिंट स्क्रीन। कुछ खराबी है, नहीं ले पा रही हूँ। आई जस्ट ट्राई। ठीक है, मैं तो नहीं ले पा रही हूँ प्रिंट स्क्रीन। अगर आप मोबाइल से स्नैपशॉट ले सकते हैं क्या आप पवन जी? तो एक स्नैपशॉट ले लीजिए इस मोमेंट का मोबाइल से। एक मिनट लेता हूँ। ओके, सो दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ प्रज्ञा पे, हाँ जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि हाँ मैं, अभी भी हमारी मतलब लेखक और निर्देशक के विचार कितने अच्छे मिल रहे हैं। जी ये जो चर्चा कर रहे थे कि किरदार के बारे में लिखने के लिए, सुषमा जी से पूछिए अगला प्रोजेक्ट मेरा क्या है, मैं किस पे काम कर रहा हूँ। जी जी सुषमा जी बताएं अगला प्रोजेक्ट क्या है। बताएंगे मैं रावण पे, बताइए अनम्यूट आप। करें। म्यूट, अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही। हाँ ओके ओके। अब वो उनका अगला टॉपिक जो है वो रावण पे ही है, कि वो उनकी सिर्फ बुराई जो दिख रही है समाज में और धार्मिक इसमें, वो दिखाना चाह रहे हैं कि उनके पॉजिटिव साइंस भी कितने अच्छे थे। पॉजिटिव साइड उनका बहुत अच्छा था, उस पर ही वो लिखने जा रहे हैं। उनका नया टॉपिक वही है और उस पर कब से चर्चा चल रही है, क्योंकि हम लोग एक संस्था से जुड़े हैं रामलीला के, उसमें कई किरदार और कई जानने वाले हैं, तो उनकी चर्चा कंटिन्यूअसली चल रही है उस पर। तो बहुत मतलब अब ये खुशी देखिए कि का, मतलब एक अच्छा नाटक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के साथ होने वाला है जल्दी भविष्य में, बहुत ये है। खुशी की मतलब बात, बहुत खुशी की इसका दोनों बात। के विचार मिल रहे हैं तो ये जी एक अच्छा बिल्कुल नया कुछ होने वाला है। और दूसरी बात, आप लोग सब दुआ कीजिए, चंबल का शौर्य भी या तो फिल्म में आ रहा है या वेब सीरीज में जल्दी आने वाला है। हाँ, क्या बात है। तो वो सारे लोग भी जुड़ेंगे इसमें, तो तो मैं ये भी आपको फोकस में। यहाँ पे बता दूं कि हमसे यहाँ फेसबुक पे जुड़े थे कुछ लोग, यहाँ जो हमसे फेसबुक पे जुड़े थे उन्होंने भी आपके लिए अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। मैं उनके जी नाम यहाँ पे लेना चाहूंगी। जरूर, संजय दास जी ने तारीफ की है कि ऐसा मंच देखा जहाँ पर सार्थक परिचर्चा हो रही है, उन्होंने तारीफ की। और इसके साथ में ही आदिल जमशेद जी लिखते हैं कि दीवार के पीछे की हकीकत, ऐसी कोशिश काबिले मुबारकबाद है। देवेंद्र तोमर जी कहते हैं, डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी प्रशंसा करते हैं कि ये बहुत, मुरैना मध्य प्रदेश से हैं और वो आपकी प्रशंसा करते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। और पुरुषोत्तम कुमार जी भी बहुत खुश हैं इस सार्थक संवाद के लिए। तो सभी की शुभकामनाएं फेसबुक पर भी आप सबको मिली हैं, और ये शद्दल रेडियो की तरफ से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मुहिम सार्थक रहे। चंबल का शौर्य, जिस शौर्य की वो हकदार है इस किताब को, वो पूरा पूरा हक उसका मिले। और सभी को एक बार फिर यहाँ धन्यवाद करते हुए मैं प्रज्ञा मिश्र इस कार्यक्रम को विराम की तरफ लेकर के जाती हूँ। 3 मिनट बचे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। मैं एक बार फिर हमारे आज के अतिथि नाटककार लेखक पवन सक्सेना जी को धन्यवाद देती हूँ। अभिजीत जी, जो चंबल का शौर्य में जो मुख्य किरदार में थे, आपको धन्यवाद करती हूँ। सुषमा धन्यवाद आप सभी जी का। जी और हिमांशु द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अलग अलग से एक बार आपकी जीवन यात्रा पे परिचर्चा हम भविष्य में रखना चाहेंगे शदर रेडियो पर, आपका बहुत स्वागत रहेगा। जाते जाते मैं पवन सक्सेना जी से शतदल रेडियो के लिए 2 शब्द शुभकामना के बोलने का आग्रह करती हूँ। ये मंच निश्चित ही
सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है और एक माध्यम बनेगा जिससे हम अपनी बात कह सकेंगे। प्रज्ञा जी का जो अंदाज है बात करने का, जो वाक्पटुता है उनकी, वो निश्चित ही काबिले तारीफ है उनकी। बहुत बढ़िया बोलते हैं धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम और बने और आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी अभी भी काम कर रहे हैं, देखिए बेचारे, उसके बावजूद उन्होंने हमें समय दिया। और अभिजीत, थैंक्स। सुषमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप थैंक सब यू थैंक जुड़े। यू। मैं चाह रहा था और भी परिवार शामिल होता अपना ड्रामे ग्रुप का, बच्चे और भी शायद बाहर हों, पर वो बच्चे क्लास में हैं, मैं पेपर परीक्षा विभाग में हूँ। अभिजीत अगर क्लास में है तो मैं कहाँ, नहीं अभी घर पे है ये। सर हाँ, मैं घर सबको पर हूँ, कोई बात अभी दिखा बैठा देता देता हूँ। हूँ। हाँ अच्छा मेरे भाई अच्छा आप क्लास दो देखने के मिनट होल्ड कीजिए, लिए। सभी को एक बार दिखा देता हूँ हाँ, सब मैं। लोग दिख जाए बच्चे, तो थोड़ा सुकून मिलेगा मुझे भी। चलिए ठीक है, तो फिर बच्चों मैं को फोकस करती हूँ सारे दिखा बच्चे यहाँ देना। पे। हाँ बस एक मिनट में आपको मैं स्टूडियो थिएटर में, जहां पर मंचित हुआ नाटक, अच्छा, मैं भी अभी फाइनल प्रिपरेशन और चंबल का असाइनमेंट में शौर्य, लगा हुआ तो हूँ। हम जी देखने चंबल का शौर्य जहां मंचित हुआ है, अब हम उस स्थान को देखने जा रहे हैं, है ना? जी जहाँ हाँ, सृजन हुआ है स्टूडियो उसका, में भी जिस जगह सृजन हुआ है, सृजन। सृजन, जहां पे उसका सृजन हुआ है। अच्छा, क्या ये बात है। अरे बच्चे लोग देखो, अरे सभी बैठे वाह, हुए हैं बहुत और बढ़िया, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। अरे वाह वाह वाह। ये क्या जगह चंबल के है, शौर्य, ये जगह कहाँ पर है? ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा एंड थिएटर, राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी, ग्वालियर। क्या बात है, क्या बात है, क्या ये सभी बात बच्चे, है। उसमें सारे चंबल के शौर्य में कौन कौन था? एक बार आप सभी बच्चे, शुभकामनाएं दे दीजिए, चंबल के शौर्य पे ऑनलाइन डिस्कस चल रहा है। अमन, क्या बात। अरे रे नमस्कार रे रे, नमस्कार नमस्कार, क्या हाँ बात है। चंबल के शौर्य के सभी लोग जो जुड़े थे, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है, और मैं हिमांशु द्विवेदी जी को सरप्राइज के लिए थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने इतना प्यारा सरप्राइज हमें दिया, और हम इतनी अच्छी जगह के बारे में जान पाए, इसे देख पाए। और ये जो लाइव है फेसबुक में, जो भी देख रहा है इस पर्टिकुलर चित्र को, इस जगह को देख करके वो मोटिवेट होंगे और इस जगह से वो जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमांशु द्विवेदी जी आपको एक बार फिर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, जी सभी को जी बहुत जी थैंक यू, इसी के थैंक यू थैंक साथ यू। हम कार्यक्रम इसी के साथ हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और प्रज्ञा मिश्र का प्यार भरा नमस्कार यहाँ सभी को, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद सभी का। जी।